यार अब मैं आज पापा की वॉच पहन से घूम रहा है। क्यों बता रहे हो? करना देखिए फिर आपके ना वो आ जाएगी। इधर रख तू, मैं ये वाला इधर रख रहा हूं। अरे ये भी छोटा हो गया ना। क्यों? ये भी छोटा ही हो गया, छोटा हो गया। बाबू के काम आ सकते हैं, बहुत छोटा है ये बाबू का। और ये वाली तो आती है अभी। हाँ ये तो न्यू है, ये छोटी हो गई काफी। आनू आपके कपड़े ना छोटे हो। अरे ये छोटी नहीं हुई, ये भी छोटी है, छोटी है ये तो सही है। वो देखो वो ब्लू, ये तो सही है। आनू बाजू से नहीं दिखता। कौन सा टेबल तो है के लगा के देखो। एक बार भी नहीं पाना मैंने इसको, एक बार भी नहीं पाना मैंने। ये रख दो ना, ये ऐसे ही वहां पे काम आएगी। ये यहां रखो। अब और इसको देखो, ये छोटी है। ये तो ये भी चेक, ये देख लो किशन आंटी को देंगे। ये हजार पीस होते एक एक करके दिया करो। इतने 100 मार्क्स दे दे तो आप 100 मार्क्स हो के सो ऐसे नहीं ना, पेन कर देखो ना। हेलो ये भी मैंने कभी नहीं पहनी। कितने कपड़े ना पहनते नहीं हो फिर है ना। सही आ गई, सही है। देखो ठीक है, दो इसका क्या करें? क्या ये दे दो, क्या करेगा बोरोंग? अभी ना पापा से पूछूंगी वो क्या कहते हैं बोरोंग। ये दो आ रही है ना, ये ये दोनों टी शर्ट तो बैग दो। मैं कौन सा वाला? अच्छा ये तो फिर दो, क्योंकि इंडिया जाना होगा तो ये दोनों पजामा आपका सही है। ये दोनों टी शर्ट तो बिना देखी काम आ जाएगी। ये देखो ये क्या है? चिट्ठी पे पजामा है, छोटे हो गए। तीन साल का था तब दीदी दादी ने सिलाई कर दी। चलो ठीक है हो गया। अरे ये वाला देखो, ये क्या चिट्ठिया काम आ जाएगी। अरे वो वाली है नोना, कौन सी? इसमें बहुत पसीना सा होता है आपको। हाँ तो वो ये गाइस ये देखिए सारे छोटे हो गए। आरव के कपड़े बहुत सारे हैं इसमें, तो ये अभी फोल्ड करके ना हेल्पर को दे दूंगी, उनका नेफ्यू है वो ले जाएंगे। और ये वाले मैं लगेज में डाल रही हूँ। ये सारे अभी सिर्फ आरव के इतने ही हैं। अभी थोड़े से कपड़े मैंने अलमीरा में ही रखे हुए हैं और ये ऑलरेडी देखो फुल है कपड़ों से। तो मैं ये कैसे डालूं, दबा दबा के डालती हूँ, कुछ तो हो सकता है। गाइस ये वाली पैकिंग हो गई है, मतलब आरव के तो कपड़े हो गए। मालों को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ये मैं ना वहाँ से आई थी मॉल से कुछ सब्जी लेनी थी, टमाटर और बेसिक चीज़ें वो लेके। फिर वहाँ से मैंने पासपोर्ट साइज तीनों की फ़ोटोज़ भी बनवाई है क्योंकि चाहिए थी। और क्या बोलना था, आते ही फिर मंदिर में पूजा की। और नहीं हाँ, और ना फ्रेंड्स के लिए मैं कल जाके गिफ्ट दे के आ जाऊँगी, मतलब टोकन ऑफ लव, क्योंकि यहाँ से जा रही हूँ तो उनको गिफ्ट देना तो बनता है, कुछ यादगार रहे ताकि गिफ्ट देके और मुझे याद करते रहे। तो बस वो मैं दे के आई हूँ और लेके आई हूँ सॉरी यार आजकल ब्लॉग में बहुत ज़्यादा उल्टा, तो आजकल ब्लॉग में ना कुछ भी मुँह से निकल जाता है और एकदम से सॉरी बोल देती हूँ।
आजकल माइंड ना सिर्फ उसी में लगी हुई है, पैकिंग में ही। और वो हो गया, तो उसके बाद मैं गिफ्ट लेके आई, तो 2 घंटे लग गए थे मॉल में ना, दोनों बच्चों को लेके जाना और फिर सामान वगैरह सब कुछ ऑल। तो उसके बाद आते ही पूजा की, पूजा करने के बाद मैंने आरव को कुछ स्नैक्स दिया और कृषि ऑलरेडी वहीं पे ही सो गया था प्रैम में, आके उसको बेड पे लेटा के उसके बाद फटाफट बैठी भी नहीं और खाना चढ़ाया, क्योंकि 7 बज गए थे ना। तो बस अभी 8:30 हो रहे हैं और जब तक खाना भी चढ़ा हुआ है, चावल बन गए हैं और राजमा बन रहे हैं और पैकिंग कर दी है जो रह रही थी। तो आरव के कपड़े हो गए हैं, अब कल जाके फ्रेंड्स को देख के आऊँगी। तो ऐसे करते करते ना पूरा दिन निकल रहा है, बस काम काम काम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, बाकी कल की पैकिंग कब करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी सारी पैकिंग हो जाएगी, बस हिम्मत नहीं हारनी और करते रहना है। तो चलिए गाइस अभी और कर लेते हैं और मिलेंगे आपसे कल। आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि मैंने कर लिया, आप सोचोगे मैंने दिखाया नहीं और मैं बाय करने लगी। तो ये देखिए इसमें डल गए हैं, अब मैं वो वाले फोल्ड करके ना आते को मीन्स हेल्पर को दे देती हूँ ताकि वो भी घर जाए, क्योंकि उसको भी लेट हो गया बहुत ज़्यादा, आज लेट आई है वो। ठीक है, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज है 4th day और स्टिल हमारी पैकिंग जो है चल रही है। तो जो ये क्लिप्स जो आएगी ये आरव शो पैकिंग का, तो ये थोड़ी थोड़ी करके मैं डेली का आपको एक ही ब्लॉग में जो है ओके क्या हो गया दिखा दूंगी। और आरव से हेलो हेलो। बस अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स के घर मिलने, क्योंकि संडे को मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, तो इसलिए सब फ्रेंड्स से जितनी भी फ्रेंड्स यहाँ रहती है मेरी, तो उन सबके पास अभी 2 फ्रेंड्स के घर में होके आ गई हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे व्लॉग शूट करना था, मैं भूल गई, क्योंकि वही था कि बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा है विद इन 10 डेज के अंदर, तो पीछे टाइम नहीं है और फिर ब्लॉग बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी सिर्फ फोकस जो है पैकिंग में ही ध्यान है, क्योंकि अभी नवीन भी पूरा तैयारी एक मिनट पूरा करवा नहीं पा रहे हैं। तो सारा कुछ अभी जितनी पैकिंग की मैंने की है और मेरी हेल्पर ने हेल्प कराई है, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। मैं कल ही गिफ्ट लेके आई थी फ्रेंड्स के लिए, तो बस दिखा दिया है, तो वही बस 2-3 फ्रेंड्स को दे दिया है, अब बस लास्ट 1 फ्रेंड और रह गए हैं उनको दे के। सब उनके घर भी 5-10 मिनट्स बैठूंगी और जल्दी से जाके गिफ्ट दे के उसके बाद हम जाएंगे, फिर हम जाएंगे और 10 मिनट्स बैठ के फटाफट दे के आ जाते हैं। तो इन फ्रेंड के घर में पहले भी आ चुकी हूँ, आपने ब्लॉग देखा ही है जिसमें भगवान जी की सुंदरकांड का पाठ जहाँ हुआ था वहाँ पर। तो बस अब चलते हैं और जल्दी से मिल के फिर मैं जाऊँगी पैकिंग करूँगी और डिनर। और ये देखो और ये आरव ने आज पापा की वॉच पहन के घूम रहा है सुबह से। क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, बंद करो। क्यों बन। तो ये किसकी वॉच है, किसकी वॉच है, आपकी है? अच्छा ये आरव की वॉच है, चलो 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 आ गए। अच्छा एक मिनट चलो फ्रेंड्स, ये मैं गिफ्ट दिखा देती हूँ, ये गिफ्ट यहाँ रखा हुआ है कृषि के सामने। चलो फ्रेंड्स चलते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। ये लो पकड़ो, देखिए दिस वन इंडियन फ्लोर सर। यस दिस इज अ इंडियन एथनिक वेयर। बस फ्रेंड को गिफ्ट देकर आने के बाद मैं यहाँ आते ही बस कृषिप के लिए टीवी ऑन किया और उसे गाने चला के दे दिए, और आरव भी उसके साथ अंदर भी खेल रहा है और कभी इस रूम में आ रहा है,
यहाँ पे मैंने खाना चढ़ाने के बाद हेल्पर को बोला कि मुझे हेल्प कराओ थोड़ी सी, मुझे अपना वार्डरोब में से कपड़े सेलेक्ट करके लगेज में डालना है और बाकी जो नहीं लेके जाने हैं, जो मुझे लग रहा था कि हाँ हेल्पर को दे सकती हूँ वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए हैं। और मेरी फ्रेंड्स फेयरवेल के लिए बोल रहे थे बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, सिर्फ 10 दिन थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना लगेज पैक कर लिया और पुराने जो कपड़े मुझे लग रहे थे वो हेल्पर ने कहा मैम आप मुझे दे दो, आपके कपड़े बिल्कुल न्यू ही लगते हैं, पुराने तो लगते नहीं। और ये देख सकते हैं वार्डरोब में सिर्फ बेडशीट वगैरह है, तो जिसमें से मैं 3-4 बेडशीट जो है हेल्पर को ही देके जाऊंगी, वो मुझे पुरानी भी लग रही थी तो इसलिए। और आरव आ गया अंदर से, देखते ही उसको शर्म आ रही है। और कृषि अंदर अपना गाने सुन रहा है, टीवी ऑन करके दिया। बस मेरा खाना भी बन गया था, पाउडर क्रीम ऑयल नेल पेंट रिमूवर जॉनसन पाउडर सब कुछ था, सनस्क्रीन वगैरह ये सब यूज़ किया हुआ है, लेकिन वही था कि सब ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं तो मैं इसको लेके तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने फिर अपनी क्रिस्टिन से पूछा तो उन्होंने कहा मैम आप मुझे दे दो मैं लगा लूँगी, तो बस इसलिए मैंने उनके लिए ये निकाल के रख दिया। तो बस कृषिव को ये दिखा और वो आए, बेड पर आते ही दोनों भाई इससे खेलने लगे, बट आरव तो इतना नहीं खेलता जितना कृषिव इससे खेलने लग गया। तो मैं ये चीज़ें फिर हेल्पर को बाद में दूंगी जब कृषिव अंदर जाएगा तभी। ये देखिए ये मेरे हेल्पर ने ऐसे बैग पैक कर लिए हैं सामानों से, तो बस अब जाने का टाइम आ गया है। तो ये सिर्फ अभी 3 बैग है जो अभी लेके आए, अभी 4-5 दिन से वाह भाई 4-5 दिन से मेरी हेल्पर को मैं ऐसे ही दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रही है। बाय 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 ओके क्रिस्टिन बाय। हाँ हाँ ओके।